हेलो गाइस, मैं हूँ साइज एनिमे में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके और मेरे चैनल टैगोइस एनिमे। सो गाइस, मेरा जो गूगल का एडसेंस पिन है वो मुझे रिसीव हो चुका है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे गूगल एडसेंस पिन को रिसीव करने में कितना टाइम लगा और आपको क्या क्या प्रोसेस जो है इसमें फॉलो करनी है और क्या प्रॉब्लम जो आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिए ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो सके। और एक बार आप ये गूगल एडसेंस का पिन भी देख सकते हैं जो मुझे मिला है। तो चलिए अब हम जल्दी से वीडियो। सो गाइस, ये जो गूगल का एडसेंस पिन है मुझे अप्लाई करने के एक हफ्ते के अंदर अंदर मिल गया था और करीब 12 दिसंबर को जो है मैंने इसे पोस्ट के थ्रू रिसीव किया था, लेकिन मैं किसी कारण से जो है वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए मैं अब ये वीडियो इतनी लेट बना रहा हूँ। सो गाइस, एक बात और मैं आपको बता दूँ, अगर आप गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 होना कंपलसरी। अगर आपके एडसेंस अकाउंट में $10 नहीं है तो आप गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और गाइज, अगर आपके $10 जो है गूगल एडसेंस अकाउंट में कंप्लीट हो चुके हैं तो आप किसी भी ब्राउजर के थ्रू जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको आपके एडसेंस अकाउंट में एक रेड कलर में लाइन लिखी हुई मिलेगी कि योर पेमेंट्स आर ऑन होल्ड, एक्शन रिक्वायर्ड टू रिलीज। जैसे ही आप एक्शन पे टैप करेंगे तो आपको जो है गूगल एडसेंस पिन अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और गाइज, एक बात मैं ये आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट का जो नेम है वो जो आप आईडी गूगल को देंगे उससे मैच करना चाहिए। और अब ये जो एडसेंस का पिन है वो आप किसी भी एड्रेस पे मंगवा सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था, ये जो एडसेंस पिन है मैंने किसी दूसरे एड्रेस पे मंगवाया था। और गाइज, एक बात और मैं आपको बता दूँ, वो शायद से आपको पता भी होगी कि गूगल एडसेंस अकाउंट जो है हर महीने की 15 तारीख तक अपडेट कर दिया जाता है। और गाइज, काफ़ी लोगों को ये टेंशन रहती है कि उनका गूगल एडसेंस अकाउंट में जो है काफ़ी कम रिवेन्यू जो है ऐड हो रही है, क्योंकि वो अपनी रिवेन्यू गलत जगह से चेक करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी जो ओरिजिनल रिवेन्यू है वो यूट्यूब एनालिटिक्स में जो आपकी एस्टिमेटेड रिवेन्यू शो होती है वही नेक्स्ट मंथ जाके आपकी ओरिजिनल रिवेन्यू में कन्वर्ट होती है, और उसके आसपास जो है आपकी रिवेन्यू जो है गूगल एडसेंस में अपडेट होती है। तो आप इस बात की टेंशन ना लें कि आपकी ओरिजिनल रिवेन्यू जो है गूगल एडसेंस में आप किसी और तरीके से चेक करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। आपको जो है अपने यूट्यूब में एनालिटिक्स में जाके जो एस्टिमेटेड रिवेन्यू है वहाँ से आप चेक कीजिए, जो आपकी एस्टिमेटेड रिवेन्यू है वहीं नेक्स्ट मंथ जाके आपकी ओरिजिनल रिवेन्यू है जो गूगल एडसेंस में अपडेट होगी। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ जब आप अप्लाई करेंगे गूगल एडसेंस पिन के लिए तो आपको कुछ इस तरीके का जो है पिन रिसीव होगा। और आप इस साइड में देख सकते हैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आपको बताया भी गया है कि कैसे आपको जो है ये पिन एंटर करना है। और ये पिन आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 लेटर्स का जो है ये पिन आपको मिलेगा। सो गाइज, यहाँ तक की जो प्रोसेस है मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद मैं जो अपना बैंक अकाउंट है उसे गूगल एडसेंस में ऐड करने वाला हूँ। तो जब भी मैं अपना बैंक अकाउंट एडसेंस में ऐड करूँगा तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि जिन भी लोगों को कुछ डाउट हो वो उन लोगों का क्लियर हो सके। तो गाइज, ये थी आज की हमारी वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, क्योंकि अगर आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी। और गाइस, अगर आपका कोई और इशू है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। और गाइस, अभी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप यहां से जो चैनल का लोगो आ रहा है राउंड शेप में, यहां से आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।